नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। शनिवार की सुबह करीब 9:30 बजे आला अधिकारियों के निर्देश पर हमीद सेतु को हल्के 4 और 3 पहिया वाहनों सहित 2 पहिया वाहनों के लिए खोल दिया गया। इसके बाद ये वाहन फराटा भरने लगे, जबकि बड़े सवारी बस, मिनी बस, ट्रकों सहित अन्य कॉमर्शियल वाहनों के लिए अभी सेतु से फराटा भरने को लेकर अधिकारियों के अगले आदेश तक इंतजार करना होगा। पुल को बड़े सवारी बसों, ट्रकों के लिए न खोले जाने से उनके चालकों के साथ ही स्वामियों में निराशा के साथ नाराजगी व्याप्त है। इस संबंध में जिलाधिकारी MP सिंह ने बताया कि NHAI की रिपोर्ट के आधार पर NHAI दोबारा पुल की क्षमता का आकलन करेगी। इसके बाद ही भारी वाहनों के आवागमन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बताया कि हमीद सेतु पर 20 नवंबर तक भारी वाहनों का संचालन बंद रहेगा। सेतु पर केवल 2, 3 और छोटे 4 पहिया वाहन ही चलेंगे। मालूम हो कि बीते रविवार को सेतु के 2 जॉइंटरों में दरार आने की सूचना पर पुल को 2 पहिया वाहनों को छोड़ सभी तरह के वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी छोटी दीपावली के अवसर पर शुक्रवार की देर शाम PG कॉलेज के मैदान में लाखों दीप जलाए गए। दीपों के चलते ही ऐसी अनुपम छटा दिखाई देने लगी मानो ऐसा लग रहा था कि आसमान से झिलमिलाते सितारे जमीन पर उतर आए हों। इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मैदान में पहुंचे। इस शानदार नजारे का लोग मोबाइल में वीडियो बनाने के साथ ही फोटो और सेल्फी लेने में जुटे रहे। इस नजारे को देखने के लिए बच्चे ही नहीं बड़ों में भी गजब का उत्साह दिखाई दिया। दीपों की रोशनी की जगमग के बीच लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के स्थापना दिवस पर महिला अस्पताल में संघ द्वारा फल का वितरण किया गया। इस मौके पर संघ के सदस्यों ने कहा कि संघ द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर CMS डॉक्टर तारकेश्वर, जिला मंत्री रामलखन राम, तहसील अध्यक्ष उदय यादव, तहसील मंत्री रमेश राम, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणकांत शुक्ला, अवधेश लेखपाल, रामपति राम, नीलेश अखिलेश, सुरेंद्र आदि मौजूद थे। दिवाली पर बाजारों में भीड़ बनी रही। सुबह ही लोग घरों से निकल गए तथा लक्ष्मी गणेश, मिठाई, फूलमाला, पूजा सामग्री तथा सजावट आदि की खरीदारी करते रहे। बाजारों में सजाए गए दुकानों पर कई प्रकार की वैरायटियां अलग अलग कीमतों में मिल रही थी। मिट्टी के गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियों से उनका वस्त्र, फूल माला, उनकी तस्वीरों की बिक्री का क्रम बना रहा। इसी क्रम में मोमबत्ती के भी खरीदारी का क्रम बना रहा। फूल तथा मालाओं की दुकान पर भी लोगों की भीड़ बनी रही। गेंदे के फूल की माला, गुलाब की माला के साथ ही कई फूलों की आकर्षक तथा छोटी बड़ी मालाओं को लोगों ने खरीदा। जिले में दीपावली का पर्व शनिवार को उत्साह के बीच मनाया गया। थानों में भी इस पर्व की धूम रही। थाने की साफ सफाई करने के बाद शाम इन्हें पूरी तरह से दीपों से जगमग किया गया था। जमानिया कोतवाली में आकर्षक रंगोली बनाई गई थी, जो बरबस ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। पुरुष कर्मियों के साथ ही महिला पुलिस आकर्षक रंगोली की मोबाइल में फोटो खींचने के साथ ही सेल्फी लेते रहे। मिट्टी के हजारों दीपों से कोतवाली को जगमग किया गया था। पुलिस अधिकारी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए क्षेत्र में लगातार चक्रमण भी करते रहे। गहमर थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह चक्रमण कर शांति व्यवस्था का जायजा लेते रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।